नमस्कार दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज हमारे साथ उपस्थित हैं क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तिरहुत क्षेत्र श्री प्रशांत कुमार जी साथ में जया आज हम मेक इन इंडिया पर बात कर रहे हैं सर आप ये बताया जाए कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आखिर है क्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया इसका जो उद्देश्य रखा गया वह था कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना साथ ही इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना था इस इसके लिए उस समय सरकार ने कुछ टारगेट भी निर्धारित किए जिसमें पहला तो ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी 16 परसेंट था उसे बढ़ा करके 25 परसेंट तक कर दिया जाए और दूसरा था जॉब क्रिएशन की इसके लिए टारगेट रखा गया कि हंड्रेड मिलियन मोर जॉब क्रिएट किया जाए तो मेक इन इंडिया भारत में बनाओ इसके लिए सरकार ने कुछ स्ट्रेटजी भी निर्धारित की जिसमें पहला स्ट्रेटजी जो सरकार की रही है वह है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने से जो फॉरेनर्स हैं वो देश में अधिक से अधिक अपना जो है कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इसके लिए सरकार ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किए उसे कुछ लिबरलाइज किया बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स पहले थे जिसमें कि सिलिन था इन्वेस्टमेंट का एक सिलिन रखा गया था कि उस परसेंटेज से ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट डायरेक्ट कर सकते परंतु मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेस बनाने के लिए सरकार ने जो ये सेलिंग की बाध्यता थी उसे समाप्त किया और बहुत सारे सेक्टर्स के दरवाजे खोल दिए जिसमें 100 प्रतिशत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति दी जो दूसरे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया उसमें था कि इम्पोर्ट को कट डाउन करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने से क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी है वो अधिक मात्रा में देश में उपलब्ध होगी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल है वो कैपिटल में इजाफा होगा और कैपिटल अगर इजाफा होता है किसी देश में तो उसका बहुत सारे विकासात्मक कार्य उनको उपयोग किया जा सकेगा और अगर इम्पोर्ट बढ़ जाती है किसी देश की अगर इंपोर्ट बढ़ जाता है तो उस स्थिति में करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा और जो करेंसी है उस देश की इंडियन करेंसी रुपीस की बात करते हैं तो उसका वैल्यू जो है सो कम हो जाएगा और किसी भी इकोनॉमी के लिए यह शुभ संकेत नहीं होता है इसलिए सरकार ने रणनीति रखी कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए और कैपिटल को जनरेट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाया जाए तीसरी जो इसमें रणनीति रखी सरकार ने वह था कि इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की इंक्रीज किया जाए उसका जरूर अब इसमें आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना रखी गई है वोकल फॉर लोकल सबका साथ सबका विकास तो सरकार की यह रणनीति रही है कि जो देशी कंपनी हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया है अब एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं मोबाइल सिंपल सा मोबाइल बहुत सारी विदेशी कंपनियों की मोबाइल हमारे पास उपलब्ध है परंतु अगर हम जो तो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं अगर उनका जो तो इंडियन इंडस्ट्री है नो डाउट उसका बढ़ावा होगा और जो कैपिटल होगा देश में रहेगा ये जो करेंसी रहेगी वो विदेशों में नहीं जाएगी तो सरकार की यही योजना रही है कि अपने देश में जो कैपिटल उसको जेनरेट किया जाए और जो बाहरी करेंसी है फॉरन करेंसी उसको बढ़ावा दे देश की इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था को जो है सो बढ़ावा देगा अब इसमें सरकार ने कुछ सेक्टर्स को इसके लिए चयन किया लगभग लग 25 सेक्टर्स को सरकार ने चयन किया इस चयन करने का 25 सेक्टर्स को चयन करने का कारण ये रहा कि ये सेक्टर जो हैं वो जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी उस पर प्रभाव डालते हैं अगर उसमें थोड़ी सी ये की जाए कोशिश की जाए तो जो फॉरेनर्स हैं फॉरेन वो अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगी जरूर तो इसके लिए सरकार ने लगभग 25 सेक्टर्स का चुनाव किया आप उसमें देख सकते हैं कुछ सेक्टर्स का नाम जैसे मैं बताता हूँ उसमें एक है आपका हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर आपको ऑटोमोबाइल का सेक्टर आपको मोबाइल का सेक्टर है इसके बाद टूरिज्म का सेक्टर है इसके बाद एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर है न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है सिविल सिविलाइजेशन का सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर तो इन सारे सेक्टर्स पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया, दिया और जितने भी इनसे संबद्ध जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से स्ट्रेटजी बनाई और आज आप देख सकते हैं कि जितने भी सेक्टर सरकार ने चूज किए सबों में उनका जो वृद्धि है वो लगातार हो रही है और जो सरकार की मंशा रही है कि जो कैपिटल है उसको बढ़ावा दिया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए और इम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जो अगर लोग एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट में होगी तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है इकोनॉमिक कंडीशन है उनका बेहतर होगा वो अपने परिवार की अच्छी तरीके से देख पाएंगे और एक परिवार अगर स्वस्थ होता है तो निश्चित रूप से समाज राज्य और देश जो है सशक्त होगा और उसकी इकोनॉमी जो है व्यवस्था मजबूत होगी प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे इनकम ज़्यादा होगा तो ये जो भी यहाँ पर उसके अर्निंग होंगे रेवेन्यू होंगे उससे देश के सृजनात्मक कार्यों में उस कैपिटल को लगाया जा सकेगा अब इस प्रोग्राम में कुछ चैलेंजेस भी देखे गए हैं बहुत माइन्यूट चैलेंज हैं इससे पहला तो ये है कि जो इंडिया का जो मल्टीपुल रिजिड लेबर लॉ है वो थोड़ी सी समस्या पैदा कर रही है इसके लिए भी सरकार जो है सो लगातार प्रयास कर रही है कि इसको वो कैसे शॉर्ट आउट किया जाए समाधान किया जाए और दूसरी जो है लैंड एक्विजिशन की समस्या है लैंड एक्विजिशन की भी कुछ आ, कानूनी जो है अड़चने आती हैं तो सरकार लेकिन इन समस्याओं जो चैलेंज हैं इनको भी कम करने के लिए समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कुछ एडवाइजर्स के द्वारा इसमें एडवाइस भी दिए गए हैं जैसे कि आ, कॉमन लेबर लॉ कॉमन लेबर कोड जो है सब जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए अलग अलग लेबर लॉ रखने के बजाय कॉमन लेबर लॉ के लिए सलाह दिया गया है और दूसरा है आपको लैंड बैंक प्रोजेक्ट की भी बात कुछ राज्य इस पर काम भी किए हैं सरकार इस पर पूर्ण रूप ध्यान दे रही है कि लैंड बैंक बनाया जाए जिससे कि जो है जब भी ज़रूरत हो सरकार को अगर लैंड बैंक रहता है तो उस समय में इमीडिएट उपलब्ध उपलब्ध हो जाए तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव रहा है बड़ा ही क्लियर रहा है इसमें जो है सरकार चाह रही है कि देश का विकास हो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार आवे जो एम्प्लॉयमेंट की जो अभी बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो तो इस प्रकार यह एक सरकार की बहुत ही दूरदर्शी सोच है अब इसमें सरकार तो अपनी ओर से इनिशिएटिव या इनोवेटिव आइडिया है सरकार की तो ये तो है ही अब सरकार ये अपेक्षा रखती है कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में उनका साथ दे जो सरकार सरकार का कहना है कि एक कदम अगर हमारी जनता आगे बढ़ती तो मैं चार कदम उनके लिए काम करने को तैयार हूँ तो इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच रही है दूरदर्शी सोच है मेक इन इंडिया का वो लगातार आप देखेंगे अगर आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है अब जिस समय में ये शुरुआत हुई उसके विगत दो वर्षों के बाद भी इतने सारे देशों ने लगभग तीन हजार विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो यह एक बहुत ही सक्सेसफुल माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है मैं इसके लिए उनको कोटीश धन्यवाद देता हूँ एक युवा के नजरिए से मेक इन इंडिया को किस तरह से आप देखती हैं क्या प्रभाव डालता है एक युवा पर मेक इन इंडिया आप इसके बारे में थोड़ा बताया जाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक मंत्र दिया है परफॉर्म रिफॉर्म विद जीरो डिफेक्ट आज तक आप जानते होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस वेस्ड अर्थव्यवस्था है इंडियन इकनॉमी सर्विस सेक्टर के लिए जानी जाती है पर अब हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकनॉमी न सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो और विश्व पटल पर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाने जाए इसीलिए हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में एफ की सीमा बढ़ा दी है और विदेशी कंपनियों को कर में छूट देकर हमारे यहाँ आमंत्रित कर रही है कि वो हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगाए जिससे कि आयात बिल कम होगा और हमारी इकनॉमी सुदृढ़ हो सुदृढ़ होगी उसके बाद अगर हम अपने युवाओं की बात करें तो हमारे युवाओं के लिए हमारी सरकार ने मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को शुरू करके उन्हें आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो नई नई स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत करें जिससे कि आगे चलकर वो देश देश के लिए रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आप बात युवाओं की कर रहे थे तो हम आपको बताते चलते हैं कि इस वर्ष इस वर्ष बजट में यह प्रावधान किया गया है और हमारी सरकार मेक इन इंडिया मिशन के तहत प्रतिबद्ध है कि कम से कम 60 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और मेक इन इंडिया का लक्ष्य है कि 100 मिलियन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा बात हम अगर जियो जीरो, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की करें तो माना कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है पर एक तरफ जहां हमारे पास सौ साल पुरानी सभ्यता है दूसरी तरफ हमारा देश युवा जनसंख्याओं वाला देश है माना कि चैलेंज बहुत बड़ा है पर हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और इसे सक्सेसफुली पूरा भी करना पड़ेगा हमें अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बनानी होगी उनके क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना होगा हमारे प्रोडक्ट को हमें ऐसा बनाना होगा कि वो मार्केट में स्टैंड कर सके और हमेशा डिमांड में बना रहे ताकि उसके प्रोडक्शन हमेशा चलता रहे और आपको हम ये भी बताते चले कि अभी हमारे एक वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर बना करके भारत भारत का नाम एक बार फिर से विश्व पटल पर ऊंचा किया और अपने युवा शक्ति का लोहा भी मनवाया है माँ कहते हैं ना माना की सक, माना की मंजिल आसान नहीं है पर ए मुसाफिर तुझे चलना होगा तू गिरेगा भी संभलेगा भी पर फिर भी तुझे चलना होगा क्योंकि तभी तुझे मंजिल भी मिलेगी और तभी उस मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा सर ये बताया जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं और भारत इससे सर्वाधिक प्रभावित रहा है सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के कार्य थोड़ा बताया जाए बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया जो सेक्टर का आपने चयन किया हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिल्कुल सही है डब्ल्यू एच जो है हेल्थ के बारे में कह रही हैं कि उसने डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical फिजिकल मेंटल एंड सोशल not merely in the देंस of disease or infirmity including socio economic productive life बिल्कुल सही है आपने देखा कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ की भी बात कर हेल्थ जो है सो एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो जैसा कि उद्देश्य मैंने बताया कि पहले की कैपिटल जनरेट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लाना और एम्प्लायमेंट को जनरेट तो जो हेल्थ का सेक्टर है या और फार्मास्यूटिकल्स का ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें लगातार जो है सो फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो आकर के इन्वेस्ट कर रही हैं और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो उद्देश्य है उसको लगातार पूर्ण कर रही है आप देखेंगे इसमें कि जो मेडिकल मेडिसीन है मेडिसिन से लेकर के मेडिकल इक्विपमेंट आप देखेंगे जो वेंटिलेटर्स हैं वहाँ से लेकर के वैक्सीन्स तक मेडिकल एजुकेशन का क्षेत्र हो रिसर्च का क्षेत्र हो जो लैब टेस्ट हैं उनका क्षेत्र हो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं फार्म जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं मेडिसिन का प्रोडक्शन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन जो पीपी पी, -पी हैं पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनका प्रोडक्शन हो रहा है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स एसेंशियल इक्विपमेंट सब का प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हुआ और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है कि वो एम्प्लॉयमेंट का देना रोजगार देना और देश में जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधार करना उस ओर लगातार अग्रसर है अब आप देखेंगे अभी जो हाल फिलहाल में कोविड 19 का जो दौर जिसको हम लोग अभी भी झेल ही रहे हैं उस त्रासदी आप विगत वर्षों की देखें तो इसने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया है बिल्कुल सही स सभी जो क्षेत्र में आप देखेंगे शारीरिक जो है मानसिक इसके बाद अर्थव्यवस्था तो की अगर बात करते हैं तो इसने तो देश की नहीं पूरे ग्लोबल जो है इकोनॉमी को इसने छकझोर करके रख दिया है यह क्षेत्र अब उस कोविड के पीरियड में आप देखेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परिकल्पना रही है कि वोकल फॉर लोकल बिल्कुल सही आत्मनिर्भर भारत तो ये जो उनका सोच रहा है ये हाँ ये उस समय में, में आपको पूर्ण चरितार्थ किया है आपने देखा होगा उस समय में किल्लत बिल्कुल विश्व के भी भी देश है। वो देश, देश हैं जैसा आप वो मेडिसिन के लिए जो है सो एक दूसरे का मुख्य कौन हमें अपने देश की तो छोड़ दीजिए दूसरे देश की तो छोड़ दीजिए अपने देश को भी वो पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे भारत की ओर लोग मुखा, मुखातिब थे उस समय भी, भी जो मेडिसिन हैं कोविड नाइन्टीन से संबंधित जो मेडिसिन है इवन कि कई देशों को यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स भी लाचार हो गया था कि जो है सो इंडिया से वो मंगाए मंगाए इसके बाद आप देखेंगे वैक्सीन्स की अगर हम बात करते हैं वैक्सीन्स की कितनी किल्लत थी कोई देश में बना हुआ नहीं था उस स्थिति में भी आ, इंडिया ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड नामक दो वैक्सीन को इंडियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करवाया विश्व स्तरीय हाँ और वो एक उसका उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी रही है और उस, उस वो जो वैक्सीन्स है अपने देश के लोगों को तो दिया ही मुफ्त में वरन जो है विश्व में लगभग 25 से 30 देशों में इसका एक्सपोर्ट किया गया ये बहुत बड़ी बात है और पूरे विश्व ने पूरे विश्व ने भारत के इस कदम को सराहा है कि जो विपत्ति के समय में इन्होंने मेडिसिन और वैक्सीन्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है अब जो है बहुत सारे ड्रग्स बहुत सारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं इक्विपमेंट्स हैं सबका प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो गया आप उदाहरण के रूप में एक स्टेंट की मैं बात करता हूँ जो कार्डियक पेशेंट को स्टेंट लगाया जाता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है जो हृदय रोगी होते हैं उनको लगाया जाता है स्टेंट काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था लेकिन जो सरकार की जो एक नीति है कि अफोर्डेबल सर्विस जो है अफोर्डेबल रेट पर जो है सरकार लोगों को अपने गरीब जनता को उपलब्ध कराए उस स्टेंट की कीमत जो है सो लाखों में रहती थी सिर्फ विदेश से ही मंगवाते थे हाँ, उस समय। और उसको सरकार ने उसके रेट को कम करके बहुत कम पंद्रह बीस हजार में उपलब्ध कराया और उसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया इंडिया में शुरू हो गया पहले तो लोग केवल इम्पोर्ट के लिए ये थे आश्रित थे कि दूसरे देश से आएगा तभी इसका उपयोग गया लेकिन Uh, सरकार ने जो नीति बनाई आप इसमें देखेंगे कि जो आपका गुजरात है इसमें लीडिंग रोल अदा कर रहा है ये अपने देश के लोगों को तो उपलब्ध करा ही रहे हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है एट पार है ये जो फॉरेन कंट्रीज के हैं और वो स्टैंड का एक्सपोर्ट धड़ल्ले से हो रही है तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो है सो फॉरिनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब आप प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना रही है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत यहाँ की जो लोग हैं बिल्कुल सर सही कहा जाए सब को एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने, रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए सरकार की परिकल्पना है और इसके लिए सरकार ने जो है सो तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं जिसमें आप देखेंगे दवा की उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री जनधन औषधि का जो है सो दुकान रहती है जिसमें जेनरिक ड्रग्स का जो है बिक्री होती है ये बहुत ही कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध होती है मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया के तहत इसको ये किया गया है आयुष्मान भारत जो है आपको आयुष्मान भारत में पाँच लाख रुपए तक की राशि जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं देश में वो गरीब जनता के लिए पाँच लाख रुपए तक की सालाना वो मुफ्त में चिकित्सा किसी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ उनको इच्छा हो वो करा सकते हैं टेली की सुविधा जो है वो सरकार ने उपलब्ध कराई है जिससे कि ग्रामीण जो हैं दूर दराज के ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं बड़े हॉस्पिटल तो यह एक बहुत बड़ा कदर है और ये जो जितने इंडस्ट्रीज आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्टिकल्स के क्षेत्र में ये तो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोग जो है उसमें रोजगार पा रहे हैं जीडीपी तो सर बढ़ता ही है बढ़ ही रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है लगातार ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहे हैं इतने तो देश के लोगों के साथ साथ इसका जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बताया जो इक्विपमेंट्स हैं ड्रग्स हैं सबको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो आई अब आपको मैं बताऊँ एक इंडिजिनस सिस्टम के बारे में आयुष जिसमें आपने कोविड के पीरियड में देखा होगा कि सरकार ने पूरी दुनिया ने देखा जो इंडिजिनस सिस्टम है इंडिया की जिसमें आयुर्वेदा आपको है योगा है सिद्धा है होम्योपैथ सिस्टम है आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कितने प्रयास किए योगा भी तो भी तो। योगा को पूरे विश्व ने जो है इसको लोहा इसका माना है हाँ, इसको एक्सेप्ट किया है विश्व ये जो आपको योगा दिवस के रूप में विश्व जो है बिल्कुल जो मनाना शुरू किया है आपका आयुर्वेदिक सिस्टम जिसमें काढ़ा है दूध हल्दी अच्छा आओ, सर ये बताया जाए सर कि मेडिकल टूरिज्म आजकल बहुत ज्यादा शोर सुन रहे हैं मेडिकल टूरिज्म भी टूरिज्म भी ये फॉरन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है हमारे जी ग्रोथ को बढ़ाता है इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे मेडिकल टूरिज्म जो है टूरिज्म के अंतर्गत एक सेक्टर जो मैंने 25 सेक्टर के बारे में बताया उसी में एक, एक ये, ये भी है उसमें ही एक ये सेक्टर टूरिज्म है मेडिकल टूरिज्म अगर आप सामान्य शब्दों में जानना चाहेंगे मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है कि जो फॉरेनर्स हैं विदेशी व्यक्ति हैं वो देश में आकर इंडिया में आकर कर अपनी चिकित्सा को कराते हैं और स्वस्थ होकर अपने देश को जाते हैं तो मेडिकल टूरिज्म में फॉरेनर्स अगर हमारे देश में आते हैं वो चिकित्सा कराते हैं तो उससे क्या होता Foreign है कि जो फॉरेन करेंसी जो है फॉरेन करेंसी देश को प्राप्त अर्निंग होता है रेवेन्यू होता है और जो कि मेक इन इंडिया का जो है सो एक लक्ष्य ये रहा है उसका ऑब्जेक्टिव रखा है बढ़ाना है अब आप कहेंगे कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है बिल्कुल सही सर है ना आप इसमें देखेंगे कि प्रत्येक साल लोगों के का आना जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है अभी जो लगभग आठ लाख लोग आठ लाख जो फॉरेनर्स हैं प्रत्येक वर्ष आकर के यहाँ देश में आकर के वो अपनी चिकित्सा कराते हैं अब आप सोच सकते हैं कि आठ लाख लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उस ये यहाँ पर चिकित्सा कराया जो इंडिया फॉरेन करेंसी उसको दिया अब इसका कारण क्या है डेवलपमेंट का कारण आप पूछ सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म में फॉरेनर्स यहाँ क्यों आ रहे हैं देश में क्या बढ़िया से बढ़िया सेवा हम लोग उपलब्ध करा तो रहे हैं इसके लिए कई कारण हैं एक तो आपने बताया कि क्वालिटी ऑफ केयर सर्विसेज दी जा रही है पहला तो ये कारण है दूसरा ये कारण है कि चीपर रेट पर अफोर्डेबल रेट पर हम सर्विस दे रहे हैं अब उदाहरण के रूप में आप देखें कि जो लीवर ट्रांसप्लांट की एक बात करें तो लीवर ट्रांसप्लांट में अगर यही चिकित्सा अमेरिका में कराई जाती है तो एक पेशेंट को लगभग एक करोड़ रुपए की राशि देनी है दे। और वही स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट अगर इंडिया में कराया जाए तो वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए में उनकी चिकित्सा होगी। अब आप सोच सकते हैं कि वहां से यहाँ का ट्रीटमेंट कितना कम हुआ वन फोर्थ वन फिफ्थ उनको रहने आने जाने सब करने के बाद क्वालिटी पूर्ण सेवा है इसके अलावा जो उनके आने का और कारण है उसमें एक कारण है कि जीरो वेटिंग पीरियड जीरो वेट यहाँ अगर विदेश में किसी को शल्य क्रिया करानी हो कोई ट्रीटमेंट कराना तो उन्हें वही महीनों वहाँ पर वेट करना पड़ता है चिकित्सा में और आप जानते हैं कि कोई बीमार है उसको महीनों इंतजार करना पड़े तो कितना दुखद है परंतु इंडिया में वही चिकित्सा उन्हें तुरंत प्रोवाइड हो, हो जाती हो जाती है इसके अलावा जो है तो आप लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो धड़ल्ले से यूज की जाती है क्वालिटी ऑफ केयर के बारे में अगला है आपको हॉस्पिटलिटी आदर सत्कार की जब हम बात करते हैं आदर सत्कार की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इसके लिए जाना जाता है इंडिया जाना जाता है कि आदर सत्कार हम कैसे करें तो ये यह यहाँ पर पेशेंट को क्या चाहिए पेशेंट को सेटिस्फैक्शन चाहिए अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए बिल्कुल सही और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए उनका करेंसी चाहिए हमें अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का ये चाहिए कैपिटल को हमें बढ़ाना है है ना इंप्लायमेंट को बढ़ाना है तो इस प्रकार जो हम देखते हैं क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का जो सेक्टर है मेडिकल टूरिज्म का जो सेक्टर है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल है और जो सरकार की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बहुत ही अच्छे रूप से जो चरितार्थ कर रही है ऑब्जेक्टिव को पूर्ण कर रही है जैसा कि आपसे प्रतीत होता है आप लोगों से बात करके कि ये जी ग्रोथ और फॉरन इन्वेस्टमेंट जो आया है वो भारत को काफी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहा है हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए अग्रसर है आप लोगों ने जो अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ चलते चलते मैं नमस्कार करता हूँ